भारत की अब और बढ़ेगी ताकत। समुद्र की सीमा नहीं लांघ पाएगा कोई दुश्मन। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ नया योद्धा। आईएनएस सुमित्रा के बाद सुजय की धमाकेदार एंट्री। जी हां, भारत एक के बाद एक अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो वहीं दुश्मनों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर नौसेना। हर जगह भारत अपनी मजबूती के लिए एक के बाद एक आगे कदम बढ़ा रहा है। एक तरफ हवा में दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूत करने के लिए लेजर गन बनाने की तैयारी है, तो अब दूसरी ओर समुद्र की सीमा भी कोई दुश्मन लांघ न पाए इसका भी इंतजाम कर लिया गया है। भारत में पनडुब्बी से लेकर एयरक्राफ्ट तक बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत सुजय को देश को समर्पित किया है। नौसेना की ओर से समुद्री तटों की रक्षा और निगरानी के लिए अब तटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा के बाद अब सुजय देश के रक्षा बेड़े में शामिल हो रहा है। आइए बताते हैं सुजय युद्धपोत की खासियतें, जो दुश्मनों के नापाक इरादों पर लगाम लगाएगा। सुजय अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा, जिसमें 4 बोटिंग बोट्स होंगी, छत पर ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग सुविधा भी होगी। इसमें एक 30mm गन, दो 12.7 गन फायर कंट्रोल हथियारों के साथ लैस होगी, जो मध्यम और कम दूरी की मार करने वाले हथियारों से भी लैस होगी। सुजय की इन खासियतों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने समुद्री तटीय इलाकों में दुश्मनों को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। और इस ताकत के बूते भारतीय नौसेना को और मजबूती मिली है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, गोवा।